नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के YouTube चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 3 अगस्त 2021 के पंचांग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे खुश जीवन राशिफल के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। आइए, पंचांग शुरू करने से पहले हम जानते हैं आज क्या विशेष रहने वाला है। आज मंगला गौरी पूजा है। आज माता पार्वती की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। आज रोहिणी व्रत भी है। माता पार्वती सभी का मंगल करें, इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं 3 अगस्त 2021 का पंचांग। वार मंगलवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1923, माह श्रावण माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि दशमी तिथि जो कि दोपहर 1 बजे तक रहने वाली है, उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाए। नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, योग ध्रुव योग, करण विष्टिकरण जो कि दोपहर 1 बजे तक रहेगा, उसके बाद बव करण प्रारंभ हो जाएगा। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 5:48, सूर्यास्त शाम 7:06, सूर्यदेव कर्क राशि जिसके कि स्वामी चंद्रदेव बनते हैं से गोचर कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं। चंद्रोदय सुबह 1 बजे, चंद्रास्त दोपहर 3:07। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रदेव वृष राशि से, जिसके अंदर की चंद्रदेव उच्च के होते हैं और जिस वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, गोचर कर रहे हैं। आइए बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह 4:11 से और 5 बजे तक रहने वाला है। अपने ईष्ट देव की आराधना, अपने भगवान की मंत्र सिद्धि, स्वयं सिद्धि के लिए ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ माना गया। बात करें अभिजित मुहूर्त की, दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 तक रहेगा। कोई भी शुभ कार्य अगर हम शुरू करना चाहते हैं शुभ चौघड़िए में, साथ के साथ शुभ मुहूर्त हम देख रहे हैं, यानी अगर हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा है, यानी चंद्रबल अगर हमें प्राप्त है, तो हम अभिजित मुहूर्त में लेकर उस शुभ कार्य को शुरू कर सकते हैं। आज आनंदिक योग मातंग योग भी रहने वाला है। आइए बात करते हैं दिन के चौघड़िए की। सबसे पहले रोग का चौघड़िया, क्योंकि सूर्योदय यानी 5:48 से सुबह 7:27 तक रहेगा। रोग के बाद उद्वेग 7:27 से सुबह 9:07 तक रहेगा। रोग और उद्वेग दोनों चौघड़िए अत्यंत अशुभ समय माने गए। इनके अंदर कोई भी शुभ कार्य के लिए यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। उद्वेग के बाद चर 9:07 से 10:47 सामान्य समय माना गया है। चर के बाद लाभ 10:47 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। लाभ का चौघड़िया शुभ समय है। लाभ के बाद अमृत 12:27 से दोपहर 2:07 तक रहेगा। अमृत का चौघड़िया भी शुभ समय माना गया है। अमृत के बाद काल 2:07 से 3:46 तक रहेगा। काल का चौघड़िया अत्यंत अशुभ समय माना गया है। काल के बाद शुभ 3:46 से शाम 5:25 तक रहेगा। शुभ का चौघड़िया शुभ समय है। शुभ के बाद रोग 5:25 से शाम 7:06 तक रहने वाला है। शुभ, लाभ और अमृत, ये तीनों चौघड़िए अत्यंत शुभ हैं। रोग, काल और उद्वेग, इन्हें अशुभ चौघड़िए की संज्ञा दी गई है। आइए बात करते हैं राहु काल और गुलिक काल जैसे अशुभ समय की। राहु काल और गुलिक काल दोनों अत्यंत अशुभ समय माने गए हैं। कोई भी शुभ कार्य हमें इन दोनों समय में शुरू नहीं करना चाहिए। राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 12:30 से और 3 बजे तक रहने वाला है। इन दोनों समय में किसी भी शुभ कार्य के लिए अगर हम यात्रा भी कर रहे हैं तो भी हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं दिशाशूल की, यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है उत्तर दिशा। जातकों को उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर जातक यात्रा कर रहा है तो यात्रा से पहले उसे दिशाशूल का परिहार कर लेना चाहिए, अगर वो अपने उस यात्रा में, उस कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है। यानी अगर वो यात्रा कर रहा है तो यात्रा से पहले उसे आज के दिन गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए। आइए बात करते हैं चंद्रबल, यानी कौन कौन सी राशियाँ आज शुभ राशियाँ रहने वाली हैं। तो आज का चंद्रबल है वृष राशि को, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, इन सभी राशियों को आज चंद्र बल प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं जो भी जातक जन्म लेंगे उनके नामाक्षर
जन्म की राशि और जन्म पाए की। तो आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनके नामाक्षर होंगे वा वी वु। ये सभी वृष राशि में जन्म लेने वाले हैं, साथ के साथ इनका स्वर्ण का जन्म का पाया रहने वाला है। धन्यवाद।